तो फाइनली बारिश आई चुकी है रात को, अब तो रुक चुकी है, सुबह के 8 बज गए हैं। और मतलब है ही मौसम एक बार कोई रुकी है तो ज़रूरत तो बहुत थी आज बारिश की। और एक गाय सुबह सुबह और मम्मी सुबह सुबह भिंडी तोड़ने में लगे हुए हैं, है ना। ये देखो कितनी सारी भिंडी तोड़ ली, ये करेले की बेल भी थोड़ी थोड़ी काफ़ी बड़ी हो गई है, पूरा कवर कर लिया इसने एरिया। सारी चीज़ें मतलब जितना भी देख लो आप, जितना भी आसपास है, नया नया लगता है सब कुछ, है ना। गाड़ी भी नई नई लगती है धुलने के बाद, पत्ते भी नए नए लगते हैं धुलने के बाद। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और आज बारिश आ गई है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कल तो आपने देखा था गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो फिर ठंड भी हो गई है, ठंडा ठंडा ठंडी हवा चल रही है, मतलब अच्छा मौसम हो गया है। वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और मैं वैसे बता देता हूँ कि किस टाइम पर मेरी वीडियो अपलोड होती है। मैं जनरली मतलब कि सुबह 8 बजे वीडियो डाल देता हूँ, 8 साढ़े 8 के आसपास आ जाती है। वैसे तो 8 है फिक्स टाइम, तो कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता है। ना दूध हो रहा है गर्म, मम्मी अपनी चाय बना रहे हैं, और इधर बन रही है राजमा, उबल रहे हैं अभी तो। Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love? डाल दिया था कल रात को ही। अभी कहाँ डाल रहा है, अभी तो नमक और हल्दी लगा कर रखी है अभी इसके। अभी मसाले डालोगे इसमें? 4-5 दिन लग जाते हैं डालने, 2 दिन सुखाऊंगी इसको फिर, उसके बाद मसाला मिलाऊंगी। अब मेरे को प्याज काटने हैं, फिर ये सारे चॉप करने हैं, और बाकी सब अभी सोए रहे हैं, अभी कोई उठा ही नहीं है। और एकदम बढ़िया तरीके से हो गया इसकी चॉपिंग। सुबह सुबह ऐसा कुछ नजारा है, और पहाड़ दिख रहे हैं साफ, मतलब की हल्की हल्की बारिश है, वही यहाँ पे इतनी है, वहीं पे उतनी है, तो तब ये बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं। अगर थोड़ी वो ज़्यादा होती तो और ज़्यादा धुंधला होता, तो फिर ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, सारे के सारे पेड़ बिल्कुल नए नए से लग रहे हैं, है ना। सारी चीज़ें नई नई सी लग रही है एकदम से, बिल्कुल ही ग्रीन, एकदम बढ़िया कलर आ रहा है अच्छे से, अच्छा अच्छा सा। हमारी बारिश होती है ना तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ कि छत से देखने के लिए वही पहाड़ कैसे दिखते होंगे, ठीक है। क्योंकि हर जगह से तो पहाड़ दिखते नहीं, हमारे घर से दिखते हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं ये पहाड़ यहाँ से देखने में सुबह सुबह, है ना। तो मैं वही देखने आया था कि देखते हैं कि कैसे दिख रहे होंगे, तो ठीक है अच्छे दिख रहे हैं, नॉर्मल है। मेरे को लगा बादल वादल लगेंगे तो और अच्छा दिख रहा होगा, पर ठीक है साफ दिख रहे हैं, एकदम साफ है। और वो है सामने कसौली पूरी, यहाँ से एक बार पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जब हमें बर्फ़ दिखती है यहाँ से, कसौली में जब गिरती है ना स्नोफॉल, तो फिर यहाँ से पूरी दिखती है, मतलब कि पूरा पहाड़ बर्फ़ से ढक जाता है, ऐसे दिखता है यहाँ से बढ़िया एकदम। वाले जो है वहाँ पे, वो जो आपको दिख रहे हैं वहाँ पे भी बर्फ़ दिखती है पूरी की पूरी, वहाँ पे भी पूरी की पूरी बर्फ़ दिखती है एकदम बढ़िया। वो भी एक ही बार दिखती है जब वहाँ पे गिरती है कसौली में, तो वहाँ पे भी दिखती है गिरी हुई पूरी। और ये सुबह सुबह हम फिर से आ गए हैं हमारी मॉर्निंग वॉक के लिए, और आज तो साथ में आप देख सकते हैं फिर बारिश हो चुकी है यहाँ पे भी, बिल्कुल हरा भरा हो चुका है सब कुछ, खेतों में मक्की बड़ी हो गई है थोड़ी थोड़ी, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ मक्की लगाते हैं सारे के सारे, है ना। तो फिर चलते हैं अपने मॉर्निंग वॉक पर, चलते हैं अब रोज़ रोज़ तो मैं क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को यहाँ पे, नया भी कितने नए नए हो गया बिल्कुल बारिश के बाद, बढ़िया सारी चीज़ नई नई हो गया। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहा है, ये जो व्यू आ रहा है ना यहाँ से सीधा सीधा, साथ में रोड चल रही है, साथ में पेड़ है, पीछे को पहाड़ है, और साइड में खेत है पूरे में, है ना। और ये आज हमने नया रास्ता पकड़ लिया है, नदी के अंदर जाता है जो एक ट्रैकिंग रूट छोटा सा, चलते हैं आगे चल के देखेंगे यहाँ से क्या है। बाकी जो मतलब कि ग्रीन 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 ही भाई, बस दो आप देख रहे हो, आपको सिर्फ 2 बंदे दिख रहे हैं ना कलर में, बाकी पूरा यहाँ पे ग्रीन ही ग्रीन है, और मोर की आवाज़ भी आई रही है। तो फिर चलते हैं नीचे, नदी है, नदी में पानी चल रहा होगा, तो सुबह सुबह देखते हैं, अब देखते हैं पानी कितना मिलता नहीं मिलता। ये नदी तो यहाँ पे सूखी पड़ी हुई है, और यहाँ बिल्कुल ही जंगल जंगल आ गया, पूरा नदी आ चुकी है, मतलब ये बीच में दोनों पहाड़ों के बीच में, ठीक है। और यहाँ बारिश हो गई है शुरू फिर से, तो फिर अब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी भागना पड़ेगा हमें ऊपर, तेज़ 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 बारिश से बचने के लिए। बारिश धीरे धीरे आए, अगर 10 मिनट तक ऐसी धीरे धीरे रहेगी तो इतनी देर में पहुँच जाएंगे हम। तो चलो भाग भाग के चलते हैं अब जल्दी जल्दी ऊपर तक, तो आज की ट्रैकिंग हो गई, अब जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा हमें, क्योंकि बारिश तेज़ होती जा रही है, बहुत दोनों तो चले गए हैं, मैं पीछे फ़ोटो खींचने लग गया था। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, भाग भाग के, भाग भाग के, तेज़ तेज़। उफ, मिनी और कितनी ऊपर है मुझसे। निकलते हैं यहाँ से,
और नीचे की तरफ तो आप मौसम देख सकते हैं कैसा हो गया, मतलब कि वो जितना भी मतलब फोग्स है ना, फोग नहीं है, वो सारी बारिश हो चुकी है बहुत तेज़, तो घर पे हमें बहुत तेज़ बारिश मिलने वाली है। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे भी बादल आए गए हैं बस थोड़े थोड़े से, ये तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पेड़ों के। तो फाइनली नहा लिया हूँ मैं, ठीक है, बड़ी मुश्किल से नहाया, पहले तो मैं नहीं कर रहा था आने के बाद, तो फिर नहाए, अब जल्दी से खाएंगे खाना अपना। खाने में वही है, खाने में राजमा की सब्ज़ी, चावल और रोटी भी है साथ में, तो खाना डालते हैं और खाते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं। और ये अपना खाना हो गया, रोटी साथ में लिए मैंने आम वाली चटनी जो आज बनाई मम्मी ने, तो फिर खाते हैं जल्दी से। शाम का टाइम हो गया, 5 बज गए हैं और सब किचन में घूम रहे हैं इधर उधर, कुछ खाने का ढूंढ जा रहे हैं, और मैंने तो अपने राजमा चावल डाल लिए हैं, ठीक है, दिन वाले क्योंकि पूरी, तो अपने चावल खाते हैं आराम से। और मम्मी मिनी अभी कुछ देख रहे हैं, मिनी को दे रहे हैं खाने का, नखरे कर रहा है जो। और ये चार के लंबी पूरे बढ़िया तरीके से सुखा दिया यहाँ पे, अभी जस्ट अभी सुखाई है मम्मी ने, जितने में चावल खा रहा था इतने में सुखा दिया, ठीक है, अब ये देखते हैं कितने दिन सुखाएंगे यहाँ पे। और ये मिनी अपना दूध पी करके आ चुका है, तो बस हम थोड़ी देर में एक्टिवा पे जाएंगे, जाने के बाद चल रहे हैं, मतलब 6 बजे चलते हैं, ठीक है, 1 घंटा 60 मिनट। हाँ, तो फिर 6 बजे जाएंगे हम एक्टिवा चलाने, अच्छी धूप है आज इतने टाइम के बाद, तो चलो चलते हैं एज़ यूजुअल हमारे काम पे। शाम के 6 बज चुके हैं और एज़ यूजुअल अब हम जा रहे हैं एक्टिवा चलाने, ठीक है, मिनी को सिखाने। तो जैसे कि आपने देखा था पिछले व्लॉग में, इसको ऑलमोस्ट आई हुई है, तो फिर आज भी देखते हैं चलाएंगे थोड़ा सा। कल तो हम गए थे, कल बारिश आ गई थी ना, तो फिर चलते हैं। और धूप तो बहुत तेज़ है आज, बड़े टाइम के बाद इतनी तेज़ धूप निकली है, मतलब कि आप देख सकते हैं, तो चलो चलते हैं। और वैसे स्काई भी कितना ब्लू हो गया है। तो यहाँ पे आ गई है आज भीड़, क्योंकि आज है यहाँ पे मंडी लगी हुई है, सो कॉल्ड वीकली मार्केट, आप देख सकते हैं इस तरफ को पूरी की पूरी। और यहाँ से मैंने एक्टिवा ले लिया, तो अब घर तक चलते हैं। ओ ये पूरी, यहाँ पूरी मतलब उस तरफ को भी लगी हुई है, इस तरफ को भी लगी दोनों तरफ। और ये आ चुके हैं हम खेलने, और आप धूप तो देख ही रहे हैं, 6:30 हो गए अब तक, बहुत तेज़ है। तरफ जान निकला हुआ है और एक तरफ सूरज निकला हुआ है, दोनों चीज़ें एक साथ है, ऊपर देख ऊपर हो रहा। तो गाइस अभी खेलते खेलते मिनी ने इतनी ज़ोर से मारा कि हमारी शटल पेड़ के ऊपर चली गई है, अब वो अटक गई है और हमें उतारनी पड़ेगी, और ये काम ही नहीं करने वाला है, जल्दी से जा चढ़ जा, ये करने वाला है, तो कर दे, कर दे काम, मैं क्यों करूँ, तेरा काम है ये। तो यहाँ पे है इस पेड़ में, वो रही दिख तो रही है, हाँ वो रही दिख रही है, दिख गई होगी आपको भी, वो रही हमारी शटल, तो उतर तो आराम से जाएगी इसके ऊपर चढ़ के, ठीक है। और आज तो बच्चे भी 2-3 अब तक आए नहीं है, आ जाएंगे क्योंकि धूप ज़्यादा है, जा जल्दी चढ़ चढ़ जा यार। तो चलो मैं ही चढ़ता हूँ, मेरे को चढ़ के ऊपर उतारनी पड़ेगी। तो अब हमारा मैच हो चुका है ख़त्म, बैडमिंटन मैच, तो अब हम आ चुके हैं छत पे। पीछे को तो आप देख ही रहे हैं, पीछे देखो, पीछे आपके पीछे देखो, क्या बढ़िया बढ़िया सनसेट है, बारिश आने वाली है, बारिश तो अपना ही आती कहीं। तो अपना खाना हो चुका है रेडी, खाने में तो वही है राजमा, ठीक है, थोड़ा सा खाऊंगा, मैंने 2 बार राजमा के साथ चावल खा लिए, तो रोटी के साथ वही चटनी लूँगा मैं जो दूसरी वाली है। खाते हैं अपना खाना, करते हैं डिनर, शाम की रोटी निकी बनाती है और सुबह की रोटी बनाते हैं मम्मी, तभी देखा होगा आपको शाम को छोटी छोटी सी होती है बिल्कुल। अपन ने तो अपना खाना डाल लिया है, थोड़ा सा राजमा ले ही लिया मैंने, चटनी भी है रोटी के नीचे है, और ये मिनी अब जल्दी जा रहा है, जा राजमा की सब्जी दिन वाली डाल ला, ये थोड़ी बहुत सब्जी ले आए हैं मम्मी अपने मंडी से। 9:30 बज चुके हैं और एडिटिंग कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अरे पंखा भाई आवाज़ क्यों कर रहा है, काम नहीं कर रहा। तो गाइस टाइम हो चुका है 9:30, ठीक है, और एडिटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, और बस मुझे अब नींद आ रही है, तो बस मैं सोने लगा हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है। तो फिर चलो इसी के साथ करते हैं आज सब लोग एंड यहाँ पे, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं मानसून सीजन चला हुआ है, तो कपड़े तो भाई गर्मी से सुखाए जाते हैं अब अपने, ठीक है, तो बाहर कोई भरोसा है नहीं, रात को लगा दूँ क्या पता बारिश आ जाए, फ़ायदा कुछ है नहीं। तो फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।